वेलकम टू फूडमैनिया चैनल। आज हम मटर पनीर बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। इसके लिए हमने 300 ग्राम पनीर, 150 ग्राम मटर, दो बारीक कटी हुई प्याज, प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये साबुत मसाले हैं, इसको हमने पीस लिया है। इसके अलावा हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बारीक हरी धनिया कटी हुई, खड़े मसाले, कसूरी मेथी, जीरा और हरी मिर्च ली है। ये रहे हमारे सारे मसाले। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तेल डाल दिया हमने इसमें। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, दो से तीन तेज पत्ता, खड़ी इलायची, और बारीक कटी हुई प्याज। अब हम सबको अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हम जब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च, इसे अच्छे से भून लेंगे। हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, 20 से 30 सेकंड भूनेंगे इसे। हम डालेंगे इसमें प्याज का पेस्ट, इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट, इसे भी हम 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम डालेंगे इसमें मटर, अब हम इसे 3 से 4 मिनट भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला जो हमने पेस्ट तैयार किया था, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे इसमें। अब हम डालेंगे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और अच्छे से मिला लेंगे इसको। मसालों को पकाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमारा मसाला यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे अपने हिसाब से। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। इसे 10 से 15 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें पनीर ऐड कर लेंगे। अब इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे इसे। और हमारी सब्जी तैयार है, हरी धनिया से इसे गार्निश कर लेंगे। अब आप इसे स्टीम राइस और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं।